नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। पंजाब में जो तस्वीरें आई हैं, अब सवाल लोग ये पूछने लगे हैं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। सवाल ये भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिद्धू ने कैप्टन के साथ गद्दारी की है या फिर कैप्टन ने सिद्धू के साथ गद्दारी की है। आखिर में सवाल ये भी लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कि आखिर सोनिया गांधी ने जो कैप्टन के साथ रवैया अपनाया है, जिस तरह के उसके साथ जो है बातचीत, फ़ोन के बातचीत के दौरान जो सलूक किया गया है, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ अनुजा मौजूद है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है, आज तो सिद्धू बहुत खुश होंगे, उन्हें जो चाहते थे वो मिल गई है। कैप्टन को नीचे गिराना चाहते थे वो गिरा भी दिए, कैप्टन को जिस पद से हटाना चाहते थे वो हटा भी दिए, तो क्या लगता है कि सिद्धू खुशियां मना रहे होंगे? देखिए, मना रहे होंगे नहीं, खुशियां मना रहे हैं वो। अच्छा। क्योंकि जब भी शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ उसके बाद ही सिद्धू का एक फोटो सामने आता है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो विक्ट्री का सिंबल दिखाते हुए नजर आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। उसके बाद फिर जश्न का माहौल बनता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो सिद्धू जरूर खुश हैं और पिछले कई महीनों से इसी के लिए तो वो प्लानिंग कर रहे थे। अब जब उनकी प्लानिंग सफल हो गई है, जब उनका उसका परिणाम आ गया है और उनके पक्ष में आए हैं, तो क्यों ना खुश हो, खुशी मना रहे हैं वो। लेकिन अब एक डर ये भी है अनुजा कि अब कैप्टन इसका बदला लेंगे, भले आज ना ले, लेकिन आज ना कल तो वो लेंगे, तो कैसे लेंगे वो? क्या इस बात को लेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो वहाँ फिलहाल, अभी प्रदेश अध्यक्ष का, उन्हें वहाँ से भी दिलवाएंगे इस्तीफा, या फिर वो खुद पार्टी छोड़ देंगे? आपको क्या लगता है किस तरह से बदला लेंगे? देखिए, अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन राजनीति में उनका अगर सफ़र देखा जाए तो बहुत लंबा सफ़र रहा है। उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है और वो नई रणनीति ज़रूर तैयार करेंगे, वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है और वो अलग तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि चुनाव बहुत दूर नहीं है, 4 ही महीने का समय है और इतने कम समय में आपको नई रणनीति बनानी है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप पार्टी छोड़ेंगे या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा में शामिल होंगे इन द सेंस कि जब से उनका इस्तीफा हुआ है तब से भाजपा के कई नेता जो हैं वो कैप्टन की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जरूर देखा जा सकता है कि भाजपा की ओर से भी अब कैप्टन को शह मिलता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा कि आखिर किसने किसके साथ धोखा किया? क्या सिद्धू ने कैप्टन के साथ धोखा किया या फिर कैप्टन ने सिद्धू के साथ धोखा किया? क्या लगता है आपको इस बीच में? देखिए, अगर पूरी स्टोरी को अगर देखा जाए तो सिद्धू जो है वो अभी से काम नहीं कर रहे हैं इस पर, बहुत महीने से काम कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस में आए उसके बाद फिर पार्टी में उन्हें पद चाहिए था, फिर वो अध्यक्ष बने, उस वक्त से वो लगातार कैप्टन पर निशाना साध रहे थे, लगातार उनसे उन पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो ये पूरी प्लानिंग जो है वो अभी की नहीं है, पहले की है और ये प्लानिंग धीरे धीरे काम करते गई और कैप्टन को ये समझने में थोड़ी देरी हो गई। अगर वो शायद पहले समझ लेते तो वो बचा सकते थे कुर्सी का पद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जो है वो एकदम उल्टा हो गया, कैप्टन को जो है वो कुर्सी गंवानी पड़ी, ना चाह के भी उन्हें अपमानित महसूस हो रहा था तो उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है अनुजा कि जब वो अपमानित तो महसूस कर रहे थे, वो लगातार आलाकमान से बातचीत कर रहे थे, उनके संपर्क में थे, तो अब सवाल ये है कि आखिर आलाकमान के तमाम नेता आखिर इस नौबत को इस स्थिति तक आने क्यों दिया, उन्हें अपमानित महसूस क्यों करने दिया? देखिए, अगर इसे देखा जाए तो ये हो सकता है कि यही रणनीति हो। आप इतने साल से पार्टी के अंदर है, काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली बोलना काफी हिम्मत वाली बात होगी। सोनिया गांधी जो चीज नहीं चाहती होंगी, क्योंकि सोनिया और कैप्टन काफी करीबी रहे हैं और सोनिया गांधी डायरेक्टली अमरिंदर को बोल नहीं सकती थी कि आप जो है वो पार्टी छोड़ दीजिए या फिर कुर्सी छोड़ दीजिए। तो बहुत पहले से ये प्लानिंग की गई होगी कि उन्हें पार्टी में जो है वो अच्छा ना लगने देना और जिस वजह से वो खुद पार्टी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, ऐसी नौबत बनाना, तो ये कह सकते हैं कि यही प्लानिंग होगी उनकी। लेकिन अब सवाल अनुजा ये है, जो लोग आज लोगों के मन में ये सवाल क्यों है कि कभी ना कभी या कुछ ही दिन बाद कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना कि वो जितना अपमानित महसूस हुए हैं, जिस तरह से अभी उनके मन में गुस्सा है, कहीं वो राजनीति ही छोड़ दें, राजनीति ही ना करें, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ते हैं, वो भले ही अपने पद से इस्तीफा दिया, अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ते तो जरूरी थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हो, कहीं वो राजनीति ही से इस्तीफा ले लें, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। जी, ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर अमरिंदर की बात करें तो अमरिंदर के पास अब ज़्यादा समय है नहीं।
राजनीति भी अब वो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल, क्योंकि उसके बाद वो खुद इस्तीफा लेना चाहेंगे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके पास जो वक्त बचा है उसको वो बर्बाद करें, वो चाहेंगे कि इसका भी यूज हो जाए, और इसका अगर यूज करना चाहेंगे तो वो जरूर चाहेंगे कि किसी अच्छे पद पर रहकर या फिर कांग्रेस को टक्कर देकर करें, अगर वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो। लेकिन अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में जाते हैं तो वो चाहेंगे कि वो कांग्रेस को टक्कर दे सके और वापस से वो सीएम बन सके। लेकिन सवाल ये है अनुजय, ये बहुत अंदर की बात आपने बताई, तो मेरा एक सवाल यहाँ से है कि अगर वो बदला लेंगे तो कांग्रेस से क्यों लेंगे? अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, अगर मान लेते हैं कि किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, तो वो कांग्रेस से बदला लेंगे या फिर सिद्धू से बदला लेंगे? देखिए, काइंड ऑफ सेम ही है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में दोबारा आती है तो अब अगर अभी के सिनारियो की बात करें तो सिद्धू जो है वो अपनी गुट तैयार कर लिया और सारी ताकत जो है कांग्रेस की, सारी बागडोर जो है पंजाब के, अब सिद्धू ही संभालेंगे। तो अगर अमरिंदर जो है वो कांग्रेस को चुनौती देते हैं, सिद्धू को चुनौती देते हैं, तो इसमें दोनों का नुकसान है, कांग्रेस का भी नुकसान है और सिद्धू का भी नुकसान है। लेकिन अब एक सवाल अनुजा ये है कि अगर ऐसा होता है, हुआ तो नहीं है और उम्मीद है कि ना हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर ऐसा होता है कि चुनाव से पहले अगर कैप्टन इस्तीफा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, मान लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब की आवाम, किसान, तमाम लोग किसके साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस का साथ देंगे, क्या सिद्धू को समर्थन करेंगे या कैप्टन का समर्थन करेंगे? आपको क्या लगता है? अगर कैप्टन की बात करें तो कैप्टन ने जो कुछ दिनों पहले बयान दिया था वो किसानों के समर्थन में नहीं था, जिसका फायदा जो है वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उठाते हुए दिखे। जब भी उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके कुछ ही समय बाद जो है वो चन्नी किसानों के समर्थन में आ गए और उसको लेकर आवाज उठाए और लगातार अब जो है वो किसानों को अपने समर्थन में करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव है 2-4 महीने बाद और उस वजह से जो है अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना समर्थन उन्हें मिले उतना उनके लिए अच्छा होगा। सही बात है, और यही बात है कि आज जो है कांग्रेस वर्सेस कैप्टन छोड़कर अब सिद्धू वर्सेस कैप्टन हो गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच नाराजगी भी थी, अंतर्कलह भी थी, और भले ही इसमें अभी लोगों को लग रहा है कि सिद्धू का जो है जीत हो गया है, लेकिन यहाँ पर लोग ये भी मान रहे हैं कि कैप्टन के शांति को लेकर, कैप्टन के समझदारी को लेकर भी लोग तारीफ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने समझदारी बताई। अगर उन्हें परेशानी हुई, अगर वो अपमानित महसूस कर रहे थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि एक समझदार आदमी जाहिलों से दूर रहता है। अब देखना होगा कि वाकई में इसका फायदा आखिर होता किसको है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 News। नमस्कार।